अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं गुड लुकिंग रेसिपी, खट्टे मसाले का कीमा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसके लिए हमने लिए हैं 4 से 5 अदद प्याज, जो हमने फाइन चॉप कर ली हैं, और इसको 1/2 कप ऑयल में अपने पैन में ऐड करके फ्राई के लिए रख दिया है। हमें प्याज को कोई कलर नहीं देना है, इसको सॉफ्ट करना है, ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें ऐड करेंगे अपना कीमा और इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से करेंगे भुनाई। कीमा हमारा अच्छे से भुन जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए, तो इसमें ऐड करेंगे हम 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है हमने, इसको बारीक चॉप कर लिया है, और इसके अलावा 5 से 6 लहसुन की कलियां चॉप करके ऐड कर दी हैं। 1 से 2 मिनट सोटे करने के बाद इसमें जाएंगे हमारे स्पाइसीज। इसमें है 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ले सकते हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें जाएगा भुना कुटा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें जाएंगी 4 से 5 अदद बारीक कट की हुई हरी मिर्ची। हमने तीखी वाली ली है, आप चाहें तो बगैर बड़ी वाली ले सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद जाएगा इसमें मटर, हमारे हैं 250 ग्राम मटर, और 500 ग्राम है हमारा कीमा। सभी चीज़ों को अच्छे से हम भूनेंगे और उसके बाद जाएंगे हमारे 200 ग्राम टमाटर, जो हमने बारीक चॉप करके कट कर लिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट सोटे करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, ताकि हमारा कीमा और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से टेंडर हो जाए। कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इनको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और ये अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। हमारे मटर भी गल चुके हैं। इसमें जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छे से इसको अपने कीमे को भूनते हुए, टमाटर का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे बड़ी वाली हरी मिर्चें बीच में से कट करके, और जूनियन स्टाइल में कट की हुई अदरक, और साथ ही इसमें जाएगा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। ज़बरदस्त हमारा खट्टे मसाले का कीमा रेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।